क्या होगा दीदी जी से इससे अच्छा और क्या होगा दीदी। हाँ दीदी जी, हम 10 साल शुभेंदु को देख लिया ना, यहाँ पे क्या विकास करते हमने देख लिया। वो यहाँ पर मिट्टी मिट्टी का पुत्र है क्या वो? उसका उसका खुद का बाप का ठीक नहीं है। उसका कभी तो कांथी, कभी तो हल्दिया, कभी तो नंदीग्राम। उसका माँ का भी ठीक नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं उस वार्ड को अच्छे से नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक हिंदू अभी ब्राह्मण लड़की को ऐसे मुझे बेगम बोलना। ये सेकुलर कंट्री है, जब आज़ादी के बाद से सेकुलर कंट्री चल रहा है, तो ऐसे बोलना ठीक नहीं है। क्या बीजेपी जीतने के बाद सारे मुस्लिम को दूसरा कंट्री में भेज देगा? उनका दम है, किसी को भेज सकता है? इसी तरह से जहर भर रहा है जो हिंदू वोट दीदी के सपोर्ट में ना जाए कर। लेकिन ये गलत बात है। उपेंदु जब टीएमसी में थे तब ये मुस्लिम वोटर उनको वोट दे के उसको एमएलए बनाए, एमपी बनाए, उस टाइम ये चीज़ क्यों नहीं बोला? यहाँ का मुस्लिम तो उसको भी वोट दिया था, उसको 2 बार संसद बनाया। मैं भी दीदी हूँ, वो भी दीदी है, बस वही दीदी को ही है। और उम्मीद रखेंगे कि हम लोगों का बेरोजगारी कम हो, जीडीपी ज्यादा हो, जो भी हम लोगों का मतलब जो अच्छे के लिए, युवा के लिए होना चाहिए वही चाहते हैं कि अच्छा ही हो बस। नंदीग्राम में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और इस वक्त हम हैं ब्रजमोहन तिवारी हाई स्कूल के पास। आप देख सकते हैं कि अंदर वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, लोग अपने मत का प्रयोग करके बाहर भी लौट रहे हैं। और मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें कि आखिर किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि 50,000 वोटों से हरा रहे हैं, अब वो मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, हर गली गली जा रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी आज नंदीग्राम में ही डेरा डाली हुई हैं और नंदीग्राम से ही बैठकर 30 सीटों पर जो मतदान हो रहा है बंगाल में उन पर नज़र रखी हुई है। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और सही से उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो वो जो आरोप लगा, क्योंकि ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी जिसका 10 साल तक शासन रहा हो पश्चिम बंगाल में, वो ये आरोप लगा रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो लोगों से जानेंगे कि किस आधार पर यहाँ पर लोग जो है मतदाता जो है वो वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे हाई प्रोफाइल और हॉट सीट बना हुआ है इस वक्त का। एक तरफ नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी, और क्या तुष्टिकरण का जो आरोप लगा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और जो कोशिश कर रहे हैं कि ये वोट को पोलराइज किया जाए और हिंदू बनाम मुस्लिम किया जाए, कि वो भी प्रभाव आएगा या फिर उसके बाद जो यहाँ के मतदाता हैं वो डेवलपमेंट के नाम पर वोट करेंगे। दीदी वोट कर दिया? दीदी वोट दे दिया किस आधार पर आप लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी है दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी है? आइडिया नहीं। हिंदी आप बुझ रही हैं? है। क्या होगा, क्योंकि सबकी नजर है इस वक्त नंदीग्राम पर। एक तरफ महिला मुख्यमंत्री हैं नंदीग्राम ममता बनर्जी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी है जो कुछ दिनों तक पहले उनके साथ ही थे, अब नाता तोड़ चुके हैं, तो आप लोग किस आधार पर वोट करेंगे? हमारा आइडिया नहीं है। आपने क्या सोचकर वोट किया? आप वोट कर दे दीदी। तो ये लोग जो है वोट करके आ रहे हैं। दादा बताओ क्या होगा इस बार? क्या होगा दीदी जीतेगा इससे अच्छा और क्या होगा दीदी? हाँ दीदी जी, हम 10 साल शुभेंदु को देख लिया ना, यहाँ पे क्या विकास करते हमने देख लिया। क्या नाम है आपका? शुभमय दास। दीदी तो बोले कि आरोप लगा रही है दीदी बहुत सारा कि मतलब उनके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और शुभेंदु अधिकारी बोले 50,000 वोट से अगर नहीं हराया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे वो। हाँ वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। हाँ। अभी तो बोल रहे हैं ना कि हम लोग पाकिस्तानी है, हम लोग सच में पाकिस्तानी है क्या? वो भारत माता बोलते हैं ना, भारत माता की जय, उसके देश 2 संतान होते हैं। वो तो कह रहे कि मुस्लिम को तुष्टिकरण करते हैं आप, तो क्या नाम? 10 साल से आप कहाँ पे थे? 10 साल से आप भी तो टीएमसी थे, तो आपने किसका तुष्टिकरण किया? आपने मुस्लिम का तुष्टिकरण किया? ममता दीदी तो में नहीं आए थे, तो किसने किया? अच्छा, तो ये अहम सवाल बता रहे हैं आप, लेकिन लोगों को क्या, लोग जो मतलब ये कोशिश है पूरे हिंदू बनाम मुसलमान बनने में, तो वो क्या वो कामयाब हो पाएंगे? नहीं, वो कभी कामयाब नहीं। वो हमारी हिंदू जो जनरेशन है, वो हिंदू का जो जनरेशन है, अभी जो जूनियर का जनरेशन है, वो उसको खत्म कर दिया। वो लड़कों को दारू पिला के वो सब खत्म कर दिया। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी ने? हाँ शुभेंदु अधिकारी ने। वो तो साथ ही साथ एक आरोप भी लगाया जा रहा है ममता बनर्जी पर कि वो बाहरी है, मैं धरती पुत्र हूँ। वो यहाँ पे जन्म हुए थे क्या?
वो यहाँ पर मिट्टी मिट्टी का पुत्र है क्या वो? उसका उसका खुद का बाप का ठीक नहीं है। अच्छा। उसका कभी तो कांथी, कभी तो हल्दिया, कभी तो नंदीग्राम। अच्छा। उसका माँ का भी ठीक नहीं है। अच्छा। तो ये देखिए एक युवा है दादा, आप टीएमसी के वर्कर हो? हाँ टीम, मैं टीएमसी वर्कर हूँ। तो चलिए, तो ये एक युवा है और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, क्या नाम बताया दादा आपने? शुभमय दास। शुभमय दास, तो ये जो बातें कह रहे हैं आपने सुना, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये पहली बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी वोट डाल रहे हैं। ये कुछ मतदाता हैं जो महिलाएं हैं जो वोट डालकर कह रहे हैं, दीदी आप लोगों ने वोट कर दिया? हाँ क्या होगा इस बार, क्योंकि सबकी निगाहें हैं इस बार आपके नंदीग्राम पर। नंदीग्राम बहुत हॉट और हाई प्रोफाइल सिटी बना है। आपके आपने क्या सोचकर वोट किया है, क्या मुद्दा है इस बार वोटिंग का? एक तरफ नंदी शुभेंदु अधिकारी हैं, दूसरी तरफ दीदी हैं, दीदी महिला हैं, आप लोग भी महिला, महिलाओं के दीदी ने कुछ किया या नहीं किया? दीदी सुष्टु भावे वोट दीते पे जथेष्ट। हिंदी आप बोल पाए तो थोड़ा कुछ, थोड़ा कुछ भी সুষ্ঠু ভাবে ভোট দিতে পেরেছি এটাই যথেষ্ট এর বেশি কিছু বলতে চাইছি না। আপনি আওগে তো মদদ করোগে क्या बोलने दीदी? हिंदी में। हिंदी में मैं पूछ रहा हूं आपसे कि दीदी भी एक महिला है, आप भी महिला हैं, तो क्या किस आधार पर आप लोग वोट कर रही हैं एक महिला होने के नाते, इनको समझाओ। আপনিও মহিলা আর মুখ্যমন্ত্রীও মহিলা, তো আপনি কি দেখে ভোটটা দিলেন? এই সময় এটা তো বলাটা উচিত নয়, জিজ্ঞেস করা উচিত না। আপনি ভালোভাবে ভোটটা দিতে পেরেছি এটাই যথেষ্ট, এরপরে আপনি জানতে পারবেন, এখন এটা বলার সময়, এটা তো এখন বলার সময় নয়। আচ্ছা নেই বললে মে যাবি না এরা, মুদ্দা কি হবে? মুদ্দা কিউকি ইস বার বহুত মুদ্দা কখন হবে তখন জানতে পারবেন, এখন কিছু বলা নেই। আপনি কি সোচ করকে মতদান কিয়া, কিয়া দিমাগ মে তো? আমরা তো গণক কান বলছি না, যে একটা শুভেন্দু অধিকারী বলে কি 50,000 ভোট সে দিদি কো ভাগায়েঙ্গে, হারা কে ভাগায়েঙ্গে, যাতে রাজনীতি করি না আমরা, ডেভেলপমেন্ট। শুভেন্দু অধিকারী ये भी कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान। चले दीदी जो है मतलब वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है, और लोग से बात करते। दादा आप बताओ, बात नहीं करोगे? आप बात करोगे? हाँ बोलो। क्या नाम है आपका? शेख बैतुल। शेख बैतुल भाई क्या होगा इसमें, दीदी जीतेगा ममता दी। अच्छा ये आपको साथ में यही बता दो कि ये ब्रिज मोहन तिवारी हाई स्कूल है ना, ये हाई स्कूल है नंदीग्राम का, मैं उस जगह पर हूँ, जो लोग मतदाता है वो मतदान करके बाहर लौट रहे हैं और उनसे मैं सीधे मुखातिब हो रहा हूँ। आपने वोट कर दिया? हाँ वोट हो गया। वोट हो गया हाँ। तो एक शुभेंदु अधिकारी आज भी कह रहे हैं कि तुष्टिकरण, जो उनका जो नारा है कि तुष्टिकरण तुष्टिकरण, तो ये कितना असर डालेगा इस बार के चुनाव में? वो तो बहुत सारा भोगता है, जब जो आदमी पागल हो जाता है भोगता है ना। अच्छा। इसीलिए तो भोग रहा है ना। अच्छा। वो तो जो देगा पब्लिक देगा, उसका उत्तर जनता ने दे दिया। चलिए तो मतलब ये बातें बहुत सारी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सीधे आपको दिखा रहा हूँ ब्रिजमन तिवारी हाई स्कूल के पास से, हर किसी की नज़र निगाहें टिकी हुई है नंदीग्राम पर, और नंदीग्राम का संग्राम, नंदीग्राम की लड़ाई, नंदीग्राम से केवल एक विधानसभा नहीं है बल्कि इसका एक राजनीतिक इतिहास है। 2007 की अगर मैं बात करूँ, जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों साथ साथ, और आज प्लस 14 साल के बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। राजनीति में हालांकि कोई किसी का ना तो सगा दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है, राजनीति में सब अपने अपने फायदे देखते हैं, सगा दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता राजनीति। दादा आप लोग वोट करके आ गए दादा? हाँ नहीं नहीं, क्या वोट करने जाएंगे? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्रिज मोहन तिवारी हाई स्कूल है, मैं वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, और लोग मतदाता जो मतदान करके आ रहे हैं बाहर, मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ बात करने का, किस आधार पर लोग वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, वोट करके अभी लौटे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में। दादा बहुत हॉट सीट बना हुआ है इस वक्त नंदीग्राम, और हर किसी की निगाहें हैं, तो आपके लिए खुशी की भी बात है कि आपके नंदीग्राम के नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहे हैं, नाम रोशन 14 साल के बाद जो 2007 में हुआ था। खुशी तो तब होगा जब जो यंग पीपल है उनके लिए काम सिक्योर्ड होगा, जो हमारा वुमेन है यहाँ का उनका सिक्योरिटी कन्फर्म्ड होगा। अगर कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन विरोधी होगा, ये तो इम्पोर्टेंट है, उससे भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों ने वो जो पाया हुआ जो चीज़ है उनसे पहले वो बेहतर, ऐसा इकोनॉमी बेहतर होगा कि वो खुद खरीद सकते हैं वो। मुझको क्या मिलेगा गवर्नमेंट से, मुफ्त में क्या मिलेगा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो ये मुद्दा मेरा मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, फिर भी हॉट सीट है, फिर भी सभी जो वर्ल्ड मीडिया है वो आ रहा है। तो नंदीग्राम भी अभी जमी हुई है, नंदीग्राम में ही है, सॉरी ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में ही है इस वक्त, और शुभेंदु अधिकारी भी गली गली घूम रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी का 50,000 वोट से हरा रहे हैं दीदी को, नहीं हराएं तो संन्यास ले लेंगे, और फिर वो उधर दीदी भी कह रही हैं कि उनका अधिकार खत्म कर देंगे पूरे परिवार का, क्या होगा?
क्या होगा वो तो जनता का वोट डिसाइड करेगा। अच्छा, फिर दीदी ने क्या किया 14 साल में ये लोग सोचेगा, 10 साल में या 10 साल में, और ये 14 साल में क्या क्या होते आया है, क्या हुआ है, और जो हुआ है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, किसने किया है, ये सब अगर लोग सोचेगा तो जिसको लोग डिसाइड करेगा वो जीतने वाला सिकंदर होगा। अच्छा, क्या लगता है कि नंदीग्राम जो है इस बार पार्टी बदलेगा या प्रत्याशी बदलेगा? क्योंकि वही शुभेंदु अधिकारी पहले कुछ दिनों तक टीएमसी में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, तो पार्टी बदलने वाला है या फिर उसके बाद प्रत्याशी बदल देगा? अभी पार्टी बदलने का जो क्वेश्चन है वो तो कुछ लोग कहते हैं कि वो मोरली ठीक नहीं है, पर हमारा संविधान है उसमें तो पार्टी बदलने का लिए तो प्रोविजंस है। फिर वो जो मोरालिटी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। जैसे बीजेपी जो आरोप लगाती थी ना कि वो नारदा सारदा जो कटमनी फटमनी जो बातें थी, तो बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है अभी उसमें, जिसने जिसका ऊपर भी वो अभियोग था, जो एलिगेशन था उस तरह खूब बहुत तो कुछ नहीं बिगड़ा उनका, तो बीजेपी में चले गए। लोग कह रहे हैं कि वो वॉशिंग मशीन में धुल गए जाकर। ये तो हमारा कमेंट्स करना ठीक नहीं है, फिर मुझको यहीं रहना है ना। अभी जब दोनों पार्टी का बहुत पावरफुल हो तो अगर किसी के कुछ भी कहा तो किसी के फॉर्म में किसी के अगेंस्ट में होगा। चलिए, ये खुशी मना रहे कि लोकतंत्र का महापर्व मना करके आप बाहर लौटे हैं। हाँ, ये तो है, पब्लिक वोट दे रहा है अपने, जो ये क्वेश्चन था कि खुद का वोट खुद नहीं दे सकूँ या क्या, तो लोग वोट दे रहा है और खुद का वोट खुद दे रहा है, सिक्योरिटी में दे रहा है, वोटिंग अच्छा हो रहा है, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है। इसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएगा, किसी को कोई कहने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी कि वोट नहीं हुआ है क्या। इस बार आप जब वोट करने गए थे तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि मिनी बेगम जिस दीदी को पहले नहीं, मैं सवाल बेगम फिर उसका मिनी पाकिस्तान, आप लोग के अटैक करना मेरा, मैं ये समर्थन नहीं करता हूँ। मैं सवाल तो सुनिए आप, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने जो कहा कि बेगम मिनी पाकिस्तान बन जाएगा तुष्टिकरण, तो मुद्दा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, रोजगार होगा, या फिर इसके बाद जो हिंदू मुसलमान को करने बांटने की कोशिश है वो होगा? देखिए, मेरा एक बहुत पॉपुलर हिंदी फिल्म था, वहाँ जो है कि एक वकील पर टेररिज्म का चार्ज लगा हुआ था, फिर वो फिल्म के एंड में बहुत बहुत अच्छा जज का डायलॉग था कि जब भी कोई हिंदू मुस्लिम ये जब मजहब का जब क्वेश्चन आएगा तो कैलेंडर में डेट देख लीजिए कि जी इलेक्शन नज़दीक है। अच्छा, तो मतलब तो ये आप मुल्क मूवी की बात कर रहे हैं। अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया था, निर्देशक किया था, और तो तापसी पन्नू। ये वोट में ये रिलीजन वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं है। अच्छा, फिर रिलीजन वाला क्वेश्चन किसने शुरू किया, किसने उसका लाभ उठा रहा है, ये तो बहुत गहरी मामला है। फिर भी इस वोट में रिलीजन का क्वेश्चन है, रिलीजन का है, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक से ज़्यादा पार्टी, वो रिलीजन के बारे में इसका लाभ या इसका जो नुकसान होने वाला है। जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं, वो मतलब पहले कल तक टीएमसी में थे, 4 महीने पहले वो पहले मस्जिद जाते थे, मजार पर जाते थे, टोपी पहनते थे, आप लेकिन वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो यहाँ की जो सौहार्द है, बात करना ठीक नहीं होगा? चलिए दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाँ, ठीक है, बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। तो अभी हम मैं और माई वाइफ वोट दे के आए, अभी अभी वोट डाल करके बाहर आई हैं, और देखिए पूरा परिवार वोट डाल के आ रहा है। दादा दीदी, क्या होगा इस बार, क्या होगे मुद्दे, क्या होगा? हाँ, ममता बनर्जी जीतबे। ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी बोले 50,000 वोट से हरा रहे हैं, ममता बनर्जी बाहरी है। ना ना दीदी, शुभेंदु भूमिपुत्र होते पारे किंतु ममता बनर्जी जीतबे। कुछ की है से जा करे छे मानुषे जन्य एरकम कम लोक करे छे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? बनश्री खाड़ा। बनश्री खाड़ा। दीदी आप ये बताइए कि ममता बनर्जी भी महिला है, आप इस नाते से तो चुन रही हैं क्या? बुझते बच्ची ना, ममता बनर्जी एक महिला है, क्या आप इसी वजह से आप चुन रहे हैं क्या उनको? हमी ममता बनर्जी एक जन महिला, तिनी हमारे मुख्यमंत्री छिलेन, बा तिनी जो मुख्यमंत्री होले हमी भीषण खुशी हबो, जेहेतु हमरा में ताके हमरा स्वागत जानाई। चलिए दीदी बांग्ला में बोल रही हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं बांग्ला ज़्यादा बूझ नहीं पाता, इसलिए दीदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने दीदी के दादा आप बताओ दादा। ममता बनर्जी। क्या नाम है आपका? अमोल। अमोल अमोल। यार हिंदू मुसलमान का भी कुछ तड़का लगेगा क्या इस बार का चुनाव में?
না না এখানে ও তো হিন্দু মুসলমানের কোনো ব্যাপার নাই काफी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता मतदान करके आ रहे हैं बाहर। आप देख सकते हैं कि एक पूरी फैमिली मतदान करके आई है। दादा बहुत हॉट है ये सीट और गर्मी भी बहुत है, क्या होगा? हॉट तो कुछ मीडिया वालों ने हॉट कर दिया, ऐसे हॉट नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कितना शांति से इलेक्शन चल रहा है। वो हॉट ये है कि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना सीट छोड़ करके भवानीपुर से, कोलकाता के भवानीपुर से वो नंदीग्राम आ गई है शुभेंदु अधिकारी को घेरने। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं पार्टी छोड़ करके कि हम 50,000 वोट से हरा रहे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। ये हॉट इसीलिए हुआ क्योंकि स्टेट का चीफ मिनिस्टर लड़ रहा है और उसका जो अपोजिट में है वो उसका एक टाइम का जो राइट हैंड था, इसलिए वो हॉट, मतलब ऐसे हॉट सीट माना जा रहा है। बाकी ऐसे कुछ है नहीं। और बस क्या होगा मुद्दा? देखो मुद्दा सिर्फ एक सीट के ऊपर मुद्दा डिपेंड नहीं होता है, मुद्दा पूरा। नंदीग्राम कोई साधारण सीट नहीं है, नंदीग्राम का एक इतिहास है। नंदीग्राम ने 2007 के जो भूमि अधिग्रहण का जो जबरन भूमि अधिग्रहण बिल था वो जो लड़ाई थी उसने नंदीग्राम बंगाल की सत्ता को परिवर्तन कर दिया था। देखो सिर्फ नंदीग्राम का सीट अगर बोले तो नंदीग्राम में मतलब कांटे की टक्कर है क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर है और शुभेंदु का पॉपुलैरिटी भी यहाँ बहुत है। अच्छा। क्योंकि शुभेंदु यहाँ काम भी बहुत किया है जब टीएमसी में रहते हुए। अच्छा। तो उसका पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा था लेकिन थोड़ा कम होगा क्योंकि इसको जो पार्टी छोड़ के गया उससे कोई आदमी उसको मतलब अच्छे नज़र से भी नहीं लेता है। अच्छा। लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर होगा, कांटे की टक्कर होगा इस सीट के लिए, कांटे की टक्कर होगा। हाँ। अदरवाइज हाँ। दीदी ने काम कुछ किया था बहुत ज़्यादा। अब इस एरिया में पूरा घूम के आइए। हाँ। इतना कीचड़ में जाना होता है। अच्छा। अभी हर जगह में ढलाई है, मतलब सीमेंट का रास्ता है, पक्का रास्ता है। हाँ। तो दीदी जो ब्राह्मण ने 34 इयर्स में जो 10% भी काम नहीं किया। हाँ। दीदी 10 साल में तो बहुत ज़्यादा काम किया। शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं, जो कल तक टीएमसी में थे आज बोल रहे हैं कि वो अगर बेगम जीत जाती है तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, हिंदू मुसलमान करने की जो कोशिश है वो उसमें कामयाब हो पाएंगे वो? क्या बीजेपी जीतने के बाद, मतलब ममता बनर्जी अगर जीत जाती, ममता बनर्जी को बेगम बोल रहे हैं, बेगम अगर जीत जाती है तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, तो वो जो कोशिश है हिंदू और मुसलमान करने की वो कामयाब हो पाएंगे उसमें? नहीं हो पाएगा। हा? नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो वार्ड जो है ना, जो बेगम, ये कोई, मैं हिंदू हूँ, मैं उस वार्ड को अच्छे से नहीं लूँगा। अच्छा। क्योंकि वो एक हिंदू अभी ब्राह्मण लड़की को ऐसे ये बेगम बोलना, ये सेकुलर कंट्री है। अच्छा। जब आज़ादी के बाद से सेकुलर कंट्री चल रहा है। अच्छा। तो ऐसे बोलना ठीक नहीं है। क्या बीजेपी जीतने के बाद सारे मुस्लिम को दूसरा कंट्री में भेज देगा? उनका दम है, किसी को भेज सकता है? जो आज़ादी से पहले से भी रह रहा है उनको क्या दूसरा कंट्री में भेज सकता है क्या, या पाकिस्तान में भेज सकता है, बांग्लादेश में भेज सकता है? तो ये किस लिए बोलना है ये चीज़ बोलना? आप ये चीज़ समझ रहे हो लेकिन जो लोगों के अंदर जो जहर भरा जा रहा है इस तरीके से, इसी तरह से जहर भर रहा है जो हिंदू वोट दीदी के सपोर्ट में ना जाए करके, लेकिन ये गलत बात है। तो दीदी भी हिंदू है, दादा भी हिंदू है, लेकिन ये करके कि दीदी को मुसलमान बना देना, मुसलमान बता देना, बेगम बता देना। जब टीएमसी में थे तब ये मुस्लिम वोटर उनको वोट दे के उसको एमएलए बनाए, एमपी बनाए, उस टाइम ये चीज क्यों नहीं बोला? अब बीजेपी के जाके अभी मुसलमान उसका अगेंस्ट हो गया जी। कल तक वो तो टीएमसी में ही थे, यहाँ का मुस्लिम तो उसको भी वोट दिया था, उसको 2 बार सांसद बनाया और 1 बार अपना एमएलए बना के उसको मंत्री बनाया, तो उस टाइम क्या सिर्फ हिंदू वोट में जीता? उस टाइम क्यों मुसलमान को साथ में लेके घूमता था, आज क्यों नहीं घूम रहा? तो ये चीज़ गलत है। तो ये आम जनता तक पहुँच पाएगी ये बातें, क्योंकि वो कोशिश में है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाया जाए चुनाव को, कामयाब हो पाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलिए दादा थे, मैम आप भी महिला हैं, मुख्यमंत्री भी महिला हैं, वो भी डेरा डाली हुई हैं, और क्या होगा इस बार?
क्या होगा वो तो 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपके हिसाब से आप जब वोटिंग करने गई, मतदान करने गई, तो आपने क्या सोच, आपने क्या सोचा था, क्या सोचकर आपने मतदान किया? सोचना कुछ नहीं है, मैं भी दीदी हूँ, वो भी दीदी है, तो बस वही दीदी को ही है। अच्छा दीदी, तो वो तो कह रहे कि दीदी को 50,000 वोट से हरा रहे हैं, भेज रहे बाहर, वो तो बाहर ही है। बोलने से क्या होगा, वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा ना। अच्छा। कौन जीतेगा कौन हारेगा। दीदी ने कुछ काम किया था आप लोगों के लिए? काम तो बहुत कुछ किया है। हाँ। अब काम के हिसाब से तो 2 दिन पहले भी तृणमूल में शुभेंदु भी था। अच्छा। तो दीदी के सपोर्टर में राइट हैंड के हिसाब में शुभेंदु काम किया। अच्छा। लेकिन है तो TMC का ही था ना। अच्छा। उसी के हिसाब से तो काम किया। तो वो दीदी जो कह रहे हैं कि मीर जाफर है, धोखेबाज है, गद्दार है, पीठ में छुरा घोपा है, उसको सबक सिखाएंगे, मजा सिखाएंगे, तो वो नंदीग्राम की जनता बदला ले लेगी उससे? वो तो उसके मतलब मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं दीदी, तो ये वोटिंग करके वापस जा रही हैं, और भी लोग वोट करके वापस आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। और आपको बता दें साथ ही साथ ही मैं आशीष दिखाना चाहूँगा, ये ब्रिजमोहन स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ पर लोग मतदान कर रहे हैं। काफ़ी तपिश है, धूप है, उमस है, गर्मी है, लेकिन लोगों का, और ये सीट जो नंदीग्राम है सबसे हॉट सीट है पूरे बंगाल का, और सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी हैं, आपको एक भी दुकानें खुली नज़र नहीं आएंगी, और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ, सिर्फ मतदाता जो है वो मतदान करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, और लेकिन हर तरफ सुरक्षा है। लेकिन आपको साथ ही साथ एक तारीफ तो करनी पड़ेगी कि इतनी धूप में भी, अगर हॉट सीट है तो सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर भी है, लेकिन इस हॉट में भी जो वोटर है, जो मतदाता है, उसका उत्साह और जोश में उसके में कमी नहीं आई है। दादा वोट कर दिया? दादा हाँ जी, हो गया। आप युवा हैं, क्या होगा इस बार का, क्योंकि बहुत हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट तो बनाया हुआ है, अभी देखिए चुनाव में क्या होगा वो तो हम बोल नहीं पाएंगे, अभी 2 तारीख तक वेट ही करना पड़ेगा। पर ये हम बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा देखने के लिए अभी वेट करेंगे 2 तारीख तक। हाँ जी, तो क्या हो, मुद्दे क्या हैं? देखिए मुद्दा अभी तक जो भी है, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो भी होना चाहिए, अभी डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं, हम लोग हुआ है, हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और भी अच्छा हो, नौकरी ज़्यादा मिले हम लोगों को, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहे, यही मुद्दा। किससे उम्मीद है आपको? वैसे तो हम बोल नहीं पाएंगे, आपको भी पता है नंदीग्राम में हम खड़े हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अभी हम बोल नहीं पाएंगे। क्या शांति है, हर जगह शांति है, शांति 2 तारीख तक बजाय रहे, वही सरिया 2 तारीख के बाद भी देखा जाए क्या होता है, क्योंकि ये हॉट सीट है। दूसरी बात ये भी है कि एक तो शुभेंदु अधिकारी हैं, ममता दीदी को कह रहे हैं कि वो बाहरी है, मैं धरती पुत्र हूँ, और साथ में ये भी कह रहे हैं, कुछ दिन पहले तक पार्टी में थे, अब वो मिनी पाकिस्तान बता रहे कि दीदी को बोल रहे बेगम है, तो मुद्दा ये होगा या नौकरी, रोजगार, डेवलपमेंट? देखिए अभी बात है कि जो भी अभी चुनाव में जो भी हो रहा है, अभी सब कुछ पर्सनलिटी में चलेगा, ये बात तो एकदम सही है। अभी जो भी राजनीति में जो भी होने वाला है वो तो बाद में देखा जाएगा, हुआ हो के वहीं खाली हम लोग चाहेंगे जो भी हो अच्छा हो, जो भी गद्दा में आए वो अपना जो भी राय करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अच्छे से करे, और उम्मीद रखेंगे कि हम लोगों का बेरोजगारी कम हो, GDP ज़्यादा हो, जो भी हम लोगों का मतलब जो अच्छे के लिए, युवा के लिए होना चाहिए, वही चाहते हैं कि अच्छा ही हो, बस बदलाव होना चाहिए। मतलब पार्टी बदलाव चाहिए, प्रत्याशी बदलाव? प्रत्याशी भी बदलाव नहीं चाहिए, पार्टी भी बदलाव नहीं चाहिए, हम लोग को खाली जो भी अभी हम लोग जो दिक्कत में हम लोग रह रहे हैं अभी, जैसे मान लीजिए नौकरी का बात है, या फिर जो आपका मूल्य वृद्धि का बात है, वो सब मुद्दे में थोड़ा बहुत विचार विवेचना करके अगर पार्टी भी हो या फिर कोई आप को। मैं इस सवाल ये कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर एक बीजेपी कह रही है अपने घोषणा पत्र में कि हम एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, ममता बनर्जी कह रही है कि 5 लाख नौकरी उत्पन्न करेंगे हम, और बीजेपी ने पहले ही वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, तो क्या किस पर भरोसा आपको लग रहा है? देखिए भरोसा का बात नहीं है, खाली बंगाल का राजनीति, मेरे को अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो हम यही बोलेंगे कि कोई भी पार्टी को ना 5 साल से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। चलिए, तो मतलब बदलाव के मूड में आप हैं? मैं भी बदलाव के मूड में। ठीक है दादा, बदलाव के मूड। दादा आप बताइए क्या होने वाला है? अब बदला चाहिए हम। आशीष दिखाइए, क्योंकि ये बहुत टेम्परेचर है, छाता लेकर के लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए, ये दादा भी छाता लेकर के आए हुए हैं, लेकिन हॉट सीट है तो हॉट भी है, और लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर जो उत्साह है, जोश है, वो कमी नहीं आई, उसमें कमी नहीं आई। क्या चाहिए दादा? हम भी चाहिए तो बदला चाहिए, बदला चाहिए। 5 बच्चर चेंज होगा, अच्छा होगा, चाकरी वाकरी मिलेगा, 20 টাকার চাল দিয়ে দিলে ফ্রিতে, ওটা মানুষের পেট ভরবে না, এটাই আমি চাইছি। আসুক, আমাদেরকে চাকরি বাকরি দোক, কোনো ছোটোখাটো কারখানা হোক, আমরা এইটাই চাইছি।
चलिए दादा बदलाव चाहते हैं। जी दादा शुक्रिया। ये दादा बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो। जो ममता बनर्जी जो है इन्होंने जो भी किया है ठीक है बहुत अच्छा किया है हर जनता के लिए ठीक है बहुत प्रकल्प किया है और बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित के लिए बहुत अच्छे मतलब जो है उन्होंने रास्ता निकाला है ठीक है। ऐसा है कि अभी स्कूल से जो स्टूडेंट से लेके ठीक है पढ़ाई वढ़ाई के लिए पैसा से लेके और उनके आने जाने के लिए साइकिल से लेके और शादी ब्याह से लेके जो ममता जी ने जो काम किया है जो आज तक कोई जो मतलब मुख्यमंत्री यानी कि राज्य मंत्री कोई इतना प्रकल्प नहीं किया है। चलिए मतलब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है। देखिए दीदी अभी वोट करके बाहर निकली हैं मतदान केंद्र से अपनी स्कूटी से आई हैं। दीदी क्या होगा? सब ठीक होगा। सब ठीक होगा। सब ठीक होगा। हाँ, एक बहुत, बार। बहुत मतलब माहौल गर्म है? नहीं नहीं ठंडा हुआ। ठंडा है एकदम एकदम। नहीं एक तरफ मुख्यमंत्री हैं महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी वो यहाँ डेरा डाली हुई हैं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं उनके ही राइट हैंड थे पहले तो क्या बदलाव आएगा या फिर उसके बाद दीदी का जो लहर है दीदी की जो बातें हैं वो यकीन है उस पर? वो तो चुप बोला जाए ना ये सब व्यक्तिगत गणतांत्रिक अधिकार ना। तो क्या चल रहा है यहाँ पर माहौल? माहौल क्या है यहाँ का? नंदीग्राम है। नंदीग्राम। नंदीग्राम बहुत बड़ा नाम हो गया। एकदम खुशी होती है एकदम एकदम पूरे हिंदुस्तान में नंदीग्राम को लोग जान रहे हैं एकदम एकदम। तो ये ममता बनर्जी की वजह से या शुभेंदु अधिकारी की वजह से? वो तो मेरा अंतर से बोल रहा हूँ। नहीं 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 नाम जो है क्या? नहीं ठीक है चलिए दीदी वोट करके आई हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें।